हेलो एवरीवन मैं जेनी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन पे जो दो हजार तेईस के लिए प्रिपरेशन करें वो बच्चे अपना नाइनटी नाइन टू मंथ के अंदर कैसे किस तरीके से आप ला सकते हो दो महीने के अंदर तो आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ और देखो आप जो चीज सोच नहीं सकते वो चीज आपके लिए आज इस वीडियो के अंदर पॉसिबल करने वाला हूँ कि आपका कैसे आपका दिमाग चलता है आप सोचोगे तो आपको ऐसा लगेगा हां यार आपका जो प्लान है जो दो मंथ का आपने बताया बहुत अच्छा है ठीक है तो आपको किस तरीके से चलना है तो आपको यह बता देता हूं देखो सबसे पहले तो कि आपका टू मंथ्स का मैं प्लान बताने वाला हूं यहां पे इसके अंदर अपना ग्रीन सी जो सिग्नल रहेगा नाइनटी नाइन परसेंटाइल को

तो भी आपका 99 नाइन परसेंटाइल पॉसिबल है कैसे सबसे पहले तो आपको यह चीज बताता हूं कि आपके पास जो सब्जेक्ट जो हो गए तीनों सब्जेक्ट हो गए फिजिक्स केमेस्ट्री मैथ आपके पास हो गया फिजिक्स केमेस्ट्री और मैथ्स हो गया तो अभी इसके अंदर क्या होगा सबसे पहले तो यार देखो आपको जो बताने वाला हूं टू मंथ्स मींस आपका कितना दिन का टोटल प्रोग्राम हो गया सिक्सटी डेज का अगर आपके सिक्सटी डेज का अगर प्रोग्राम चलेगा तो किस तरीके से सबसे पहले तो फिजिक्स की अगर बात करूं, तो क्वेश्चन पर डे के हिसाब से आप लगाना शुरू कर दीजिए ठीक है पर डे के हिसाब से बीस क्वेश्चन बस इतने कम क्वेश्चन हाँ इतने क्वेश्चन के अंदर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और साथ के साथ देखो टॉपिक भी आपके कवर होंगे किस तरीके से दूसरा बीस क्वेश्चन पर डे के हिसाब से आपका केमिस्ट्री का बीस क्वेश्चन पर डे के हिसाब से आपका मैथमेटिक्स का अब इस केस में अगर अगर बात करते टोटल आपके अगर हो गए, तो 60 पर डे के हिसाब से हो गई ठीक है भी? अगर आप एक दिन में तीनों सब्जेक्टों के साठ क्वेश्चन आपने कर दिए इसका मतलब आपने मैथ के भी टॉपिक कर लिए फिजिक्स के भी टॉपिक कर लिए और यहां पे अपने पास तीनों सब्जेक्टों के केमिस्ट्री का भी टॉपिक आपका हो गया तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का आपने टॉपिक कर लिया तो अब आपको क्या करना है कि मेरा एक दिन के अंदर अगर साठ क्वेश्चन जा रहे हैं तो मैंने जो आपको प्लान बताया वो टोटल कितने दिन का सिक्सटी डेज का तो कितना हो गया आपका टोटल क्वेश्चन की अगर बात करें तो छत्तीसौ क्वेश्चन आपके टोटल है, निकल चुके अब क्या छत्तीस क्वेश्चन आपके लिए इन नफर रहेंगे नहीं आपको दूसरी चीज भी आपको दिखाता हूं यहां पे कि कैसे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ यहां पे आपने छत्तीस जब पर डे के हिसाब से आपने पर सब्जेक्ट के हिसाब से बीस क्वेश्चन लगाए तो आपको यह मिला साठ दिन के अंदर दूसरा अब देखो यार ये तो आपको मिल गया लेकिन दूसरा प्लान आपके साथ यह भी रहेगा कि आपने ये तो तीनों सब्जेक्टों के एक एक करके क्वेश्चन लगाइए दूसरी चीज आपको बताऊंगा कि आपको मोक टेस्ट अभी से शुरू कर दो लेट नहीं होना है आपके पास टाइम नहीं है अब ठीक है अब आपको शुरू करना ही पड़ेगा मैदान में आपको उतरना पड़ेगा और अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी अगर ऐसा है कि अगर मोक टेस्ट की अगर बात करूं मोक टेस्ट मीन हो गया फुल टेस्ट मतलब फुल सिलेबस का टेस्ट आप वीक के अंदर दो और कितने अब ये चीज देखो तो आपको ये चीज जरूर कहूंगा कि कम से कम वीक के अंदर आपको दो टेस्ट आपको देने चाहिए तीन तीन दिन के गैप पे तो इस तरीके से अगर अप्रोक्सीमेट अगर आपको इस चीज के अंदर बताऊं तो आप ऐसा कर सकते हो कि दस मोक टेस्ट ठीक है जरूर लगाइएगा दस मोक टेस्ट पर मंथ के हिसाब से लगा दीजिए ठीक है भी। दस अगर मोक टेस्ट आपने पर मंथ के हिसाब से लगा दिए तो आप अगर बात करोगे तो आपका टोटल प्लान की अगर बात करते हो टोटल कितना हो जाएगा दो मंथ के अंदर करोगे तो आप अगर तो आपने लगाए टोटल बीस मोक टेस्ट ठीक है भाई बीस मोक टेस्ट हो गए यहां पे आपके टोटल अगर बीस मोक टेस्ट अगर टोटल हो गए भी तो अब आपको क्या प्लान करना है अभी यहाँ टेस्ट क्या आपके लिए इनफ है नहीं उसके बाद भी आपको क्या करना है कि पर डे के हिसाब से टेस्ट देने शुरू कर देने हैं ठीक है थीके? लेकिन साठ दिन की अगर बात करूं तो वो आपके पूरे हो चुके हैं ठीक है थीके? तो अब आपको एक चीज देखनी है कि आपने बीस क्यूश बीस मोक टेस्ट लगाए अगर बात करोगे कि जेई के पैटर्न पे तो एक मोक टेस्ट के अंदर नब्बे क्वेश्चन आपको मिलते हैं 90 की अगर मिलते हैं तो आपने कितने क्वेश्चंस लगा दिए 1800 क्वेश्चंस जो कि अलग-अलग पैटर्न पे आपको ये दिखेंगे कहने का मतलब आपको ये चीज मिली कि 1800 क्वेश्चंस आपने लगाए और 1800 क्वेश्चंस में आपको हर चैप्टर से हर टॉपिक से आपको चीजें देखने को मिल जाएगी यह चीज आपका 100% होता है ठीक है भी? अब आपके पास टोटल अगर क्वेश्चंस की बात करोगे तो आपने 3600 तो यहां पे लगाए 1800 सो मोक टेस्ट में लगाए ये तो आपके पर डे के हिसाब से लगाए आपने और 1800 आपके मोक टेस्ट के हो गए क्वेश्चन तो आपके 5400 क्वेश्चंस टोटल हो गए अब इसका मतलब हो गया कि हर चैप्टर हर टॉपिक से आप निकल चुके हो तो आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं रहेगी कि आपको देखने को जरूरत पड़ेगी लेकिन जब आप ये चीज कर रहे हो तो आपको बता देता हूं कि जितने मोक टेस्ट आपने दिए बीस दिए अठारह सो क्वेश्चन है तो इसमें ऐसा तो है नहीं भी आपको एक भी नहीं आता होगा ठीक है किसी बच्चे को आधे क्वेश्चन आते होंगे किसी को उससे ज्यादा आते होंगे किसी को क्या पता बहुत अच्छा स्कोर है आ रहा होगा लेकिन आपको क्या करना है कि इन मोक टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है मैं इस चीज को बार बार रिपीट करता हूं कि आप टेस्ट जब भी देते हो तो एक साइड में मत रखिएगा वो आपके लिए बेकार चीज है सिर्फ आपने टेस्ट दिया कोई एनालिसिस नहीं किया आपकी गलतियां काम पे ना आपने क्वेश्चन सोल्व किया जो गलत किए ठीक है ठीके? अगर कमियां सुधारोगे ना तभी आगे बढ़ पाओगे अंधाधुंध मेहनत करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला ठीक है तो आपको एनालिसिस जरूर करना है टेस्ट को ये बात यहाँ पे नोट कर लो भी कि जितने भी टेस्ट देते हो तो एनालिसिस करो नहीं तो आपको देने की कोई जरूरत है नहीं है फिर कोई फायदा भी नहीं होगा ठीक है अगर यह चीज आपने कर ली तो आपका नाइनटी नाइन परसेंटाइल कोई भी नहीं रोकेगा साठ दिन में नाइनटी नाइन प्लस परसेंटाइल आप लेके जाओगे यह मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं लेकिन आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा और पर डे के हिसाब से इसी तरीके से चलना पड़ेगा अब साठ क्वेश्चन लगाने आपके लिए मुश्किल नहीं है इस टाइम पे आने के बाद और उसके साथ साथ आपको क्या करना है जो आपका टाइम बच गया उसके अंदर आपको थ्योरी पढ़नी अच्छे से आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मारनी है ठीक है तो आपको बहुत अच्छा स्कोर जाएगा क्योंकि बच्चे पढ़ते तो है दिन रात पढ़ते रहते हैं तो क्या करते हैं जब मोक टेस्ट देने से डरते हैं उनके हाथ पाओ फूलते पसीने आते हैं तो उस तरीके से उनको ऐसा लगता है कि मेरा नहीं हो पाएगा तो इस चीज को दूर करने का सिर्फ एक ही जरिया है कि मैक्सिमम आपको टेस्ट देने शुरू कर दो अगर ऐसा चीज अगर आपको दिक्कत आ रही है कि मेरे को सिर दर्द करने लग जाता है मेरे पास टाइम नहीं बसता नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते तो आपको ऐसे लगाओ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्या करोगे यहां पे मोक टेस्ट लगाओ उनका एनालिसिस करो अगर आपकी तैयारी हो चुकी है पहले से ठीक है तो ये प्लान आपको इस तरीके से चलाना पड़ेगा हाँ आपको ये बताता हूं कि आपको ये जो प्लान चला रहे हो कि सर हमारे को इसके लिए बुक भी चाहिए और हमारे को मोक टेस्ट भी चाहिए तो आपको बता देता हूं कि आपको अलग अलग जब जहां पर भी आप कोचिंग सेंटर के अंदर आप अगर आप कोचिंग ले रहे हो और दूसरी बात ये भी है कि आपके पास जब भी मोक टेस्ट बहुत सारी बुक्स आज आज के दिन मार्केट के अंदर मोक टेस्टों की भरी पड़ी है तो आप वहां से जाके भी ला सकते हो लेकिन आपको मोक टेस्ट जरूर देने हैं बुक अगर लेके आओगे तो ऐसे मान के चलो बो स्टैंडर्ड की बुकें मिल जाएगी आपको अरियंत की जैसे मिल मोक टेस्ट, उनका पूरा का पूरा मूक टेस्ट दे दीजिए तो पूरा आपको बेनिफिट मिलेगा चाहे आप ऑफलाइन दीजिए चाहे आप ऑनलाइन हाँ लेकिन अब धीरे धीरे आपको एक दो एक दो मंथ के अंदर दो या तीन टेस्ट आपको ऑनलाइन भी देने आपको आदत होनी चाहिए किसी बच्चे के अगर पास नहीं है तो ये चीज़ आप जरूर पॉसिबल कीजिए बाकी के आप मोक टेस्ट आप ऑफलाइन दे सकते हो उसका भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं मिलेगा आदत तो आपको वहीं से स्पीड की हो जाएगी तो आप बहुत सारी और भी बुकें यह कोई जरूरी नहीं है कि आप पर्यंत की ले रहे हो बहुत सारी बुकें आज मार्केट के अंदर पड़ी है भी एम पड़ी है और बहुत सारी बुकें पड़ी है जहां से आप खरीदना चाहो जो मर्जी खरीदना चाहो खरीद सकते हो और मोक टेस्ट जरूर लगाइए ठीक है अब दूसरी बात आती है कि हमारे को ये चीज भी पता होनी चाहिए कि जब हम साठ दिन का प्लान लेके आ रहे हैं तो हमारे पास बुके भी तो होनी चाहिए तो आपने जो भी बुके जो भी मेटेरियल आपने ले रखा है चाहे आपने कोचिंग का है चाहे आपने खुद के नोट्स बना रखे चाहे कोई भी स्टैंडर्ड बुक आपने ले रखी है तो उन्हीं से लगाते रहिए ठीक है अगर बात करें कि इस चीज में क्या आपको इतना में बेनिफिट मिल जाएगा तो सौ आपको कहता हूं बच्चे की आप अगर इस तरीके से प्रिपरेशन करते हो तो आपको 99 नाइन परसेंट आपको 100 परसेंट यहाँ पे मिलेंगे कोई भी रोकने वाला आपको नहीं है लेकिन ये प्लान के साथ चलना पड़ता है टॉपर के अलग कोई टैग नहीं लगा होता अगर आप ऐसे बोल सकते हो कि टॉपर कौन बनेगा तो ये किसी को पता नहीं जिस दिन टॉप कर जाते हैं तभी तो पता लगता है कि ये टॉप कर गया तो सभी के सभी इसी तरीके से रणनीति बनाते हैं और इसी तरीके से अपनी प्लानिंग है करते हैं तो आज की वीडियो आई होप आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाली होगी आपका स्कोर बढ़ाने वाली होगी किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है आप कमेंट करके बता सकते हो आपका वो भी सोल्यूशन पूरा का पूरा अपने इस चैनल पे किया जाएगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी आपको प्लान है कैसा लगा